हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिकम ब्लॉगर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्री ब्लॉग के बारे में, जहां पर आप कुछ क्लिक्स में अपना एक फ्री ब्लॉग सेटअप कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से आप इन सारी चीज़ों को करेंगे। उससे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर हम ब्लॉगिंग से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा वीडियो लाने वाले हैं। आप किस तरह से ब्लॉगिंग से अर्निंग कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने ब्लॉग को सेटअप कर सकते हैं, सर्च इंजन वगैरह में कैसे रैंक करेंगे अपने ब्लॉग को, इन सभी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा वीडियो आने वाली है। तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अभी हम बात करते हैं फ्री ब्लॉग के बारे में। तो फ्री ब्लॉग बनाने के लिए कई सारे तरीके हैं, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन है वो है एक ब्लॉगर का। आप ब्लॉगर की मदद से, जो कि गूगल का ही प्रोडक्ट है, वहाँ से आप एक फ्री में ब्लॉग सेटअप कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना है google.com पे। वहाँ पे जाके आपको सर्च करना है ब्लॉगर। जब आप ब्लॉगर सर्च करेंगे, आपको यहाँ पे एक फर्स्ट में ही blogger.com दिखेगा, जो कि गूगल का ही है। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके सामने क्रिएट योर ब्लॉग का ऑप्शन आया, ऊपर में साइन इन का ऑप्शन है। दोस्तों, इस ब्लॉगर से आपको एक ब्लॉग बनाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, बस एक ईमेल आईडी चाहिए, जो कि गूगल का हो। गूगल अकाउंट होना चाहिए, यानी कि आपको गूगल का जीमेल आईडी होना चाहिए आपके पास। आप क्रिएट योर ब्लॉग पे क्लिक करें। आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा। आप अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन कर ले अपने जीमेल आईडी की हेल्प से। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आपके सामने एक फॉर्म निकल के आएगा, जिसमें आपसे आपका नाम पूछा जाएगा। तो चलिए, हम यहाँ पे हम बिकम ब्लॉगर डाल देते हैं। उसके बाद कंटिन्यू टू ब्लॉगर। चलिए, अब आपके पास यह डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। आपको इन सभी चीज़ों को डिसमिस कर देना है। सभी प्राइवेसी पॉलिसी के नोटिस है, जो कि यूरोपियन यूनियन द्वारा लगाया गया था। आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं, इसे डिसमिस कर दीजिए। आपके सामने पूरा ब्लॉगर का जो मेन डैशबोर्ड है वो खुल चुका है। आप देख सकते हैं, हमारे पास अभी कोई भी ब्लॉग नहीं है, इसलिए हमें क्रिएट न्यू ब्लॉग करने को बताया जा रहा है। अगर हमारे पास ब्लॉग रहता ऑलरेडी, तो यहाँ पर हमारी पूरी लिस्ट रहती। चलिए, हम डेमो के लिए अभी एक ब्लॉग सेटअप करते हैं। अब ब्लॉग का हमसे टाइटल पूछा जा रहा है, तो चलिए हम लिख लेते हैं बिकम ब्लॉगर। अब एड्रेस आपको, जैसे कि blogger.com है, उस तरह से आपको एक एड्रेस देना होगा जहाँ से आप अपने ब्लॉग को ओपन कर पाएंगे। तो मैं एड्रेस देता हूँ, हालांकि यह अवेलेबल तो नहीं होगा। बिकम ब्लॉगर टेस्ट लिख देते हैं। देखिए, आपको मिलेगा बिकम ब्लॉगर टेस्ट डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम। यह ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम जो है, ये आपको गूगल ही प्रोवाइड करता है और फ्री में मिलता है। अगर आप इसे ब्लॉगस्पॉट को हटा कर .com लगाना चाहें तो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पे करने होंगे। इसको डोमेन नेम बोलते हैं, और डोमेन नेम आपको खरीदना पड़ेगा, लेकिन फ्री में आपको blogspot.com मिल जाएगा। तो चलिए, यहाँ से हमको एक थीम कोई चूज करना है। थीम आप कोई भी चूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी इंटरनेट पर बहुत सारी अच्छी अच्छी थीम्स अवेलेबल होती है, जो आप अपने ब्लॉगर के ब्लॉग पर सेटअप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ टेस्ट के लिए कोई भी थीम चूज कर लेता हूँ और क्रिएट ब्लॉग पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद आपका ब्लॉग पूरी तरह से सेटअप हो चुका है। आप देख सकते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में पूरा ब्लॉग का लेआउट आ चुका है, जहाँ से हम अपने ब्लॉग के हर सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। यह एक और नोटिस है, जो कि गूगल प्लस से रिलेटेड है, इसको भी आप डिसमिस कर दीजिए। आप देख सकते हैं, यहाँ पे पोस्ट ऑप्शन पर हमारा बाई डिफ़ॉल्ट खुलता है, और बताया जा रहा है कि देयर आर नो पोस्ट। हमने अभी तक इस ब्लॉग पर कोई भी पोस्ट नहीं डाला है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको अभी ब्लॉग का व्यू खोल ओपन करके दिखाता हूँ किस तरह से ब्लॉग दिखता है। व्यू ब्लॉग पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप देख सकते हैं, बिकम ब्लॉगर टेस्ट जो हमने वहाँ पे चूज किया था .blogspot.com। आप अपने फ्रेंड्स या फिर किसी को भी यह URL शेयर कर सकते हैं। आप अपने लिए जो बनाएंगे, वहाँ से आपका कोई भी फ्रेंड या फिर जो कोई भी है, आप जिसको शेयर करेंगे, वह इंटरनेट के हेल्प से आपके ब्लॉग को देख सकता है बड़े आसानी से। देख सकते हैं, यहाँ पर अभी तक इस ब्लॉग पर कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए आपको कंटेंट ऐड करना पड़ेगा, यहाँ से न्यू पोस्ट डालना पड़ेगा। चलिए, मैं आपको एक डेमो के लिए टेस्ट मैं आपको डेमो चलिए मैं आपको एक पोस्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको टाइटल लिखना है। यहाँ पे आपको पोस्ट में जो भी कुछ ऐड करना है, वहाँ से आप कर सकते हैं। हम आपको बस डेमो के लिए कुछ भी ऐड करके दिखा देते हैं। चलिए, यहाँ से आपको लेवल कुछ लगाना है। सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, अभी इतना ही समझिए आप।
देख सकते हैं हमने एक पोस्ट सक्सेसफुली यहाँ पे पब्लिश कर दिया है। अब आप अपने ब्लॉग पे जाएंगे तो आपको एक पोस्ट दिखेगा जो भी हमने सक्सेसफुली पोस्ट किया है, देख सकते हैं यहाँ पे। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यह पोस्ट कम्प्लीटली ओपन होकर दिख जाएगा। इस तरह से आप अपने ब्लॉग पे बहुत सारे पोस्ट कर सकते हैं। जो सेकेंड टाइप है वो स्टैट्स का, स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे दिखाया जाएगा कि आपके ब्लॉग पे कितने ट्रैफिक आ रहा है, किस कंट्री से आ रहा है, किस पे पोस्ट पे आ रहा है, यहाँ से सारा कुछ। आपके ब्लॉग पर कोई नया कमेंट आता है तो इस टाइप में शो करेगा कोई भी नया कमेंट। यहाँ से अर्निंग, जी हाँ दोस्तों, आप अपने ब्लॉग की मदद से काफ़ी अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। आपको अगर अर्निंग प्रूफ देखना है तो आप यहाँ आई बटन पर क्लिक कीजिए, आपको पता चलेगा किस तरह से मैंने IPL में करीबन $1,000, जी 70,000 रुपये किस तरह से मैंने अर्न किया था IPL में, क्या मेरी स्ट्रैटेजी थी। पूरा वीडियो यहाँ पे लाइव प्रूफ है एकदम, आप देख सकते हैं आई बटन में यहाँ लिंक है। उसके बाद हालांकि यह ब्लॉग बनाते हैं आप अर्निंग स्टार्ट नहीं करेंगे, उसके लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, बहुत सारी तो नहीं है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। आपको धीरे धीरे पता चलेगा जब आप ब्लॉग सेटअप कर लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे। तो पेजेज, आप अपने ब्लॉग पे कुछ पेज लगाना चाहते हैं, जैसे कि आपको आपको आपका ब्लॉग अगर किसी को पसंद आए, वो आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, तो यहाँ पे आप कांटेक्ट अस का पेज लगा सकते हैं। किसी को आपके ब्लॉग के बारे में पढ़ना है तो यहाँ पे अबाउट अस का पेज लगा सकते हैं। आपके ब्लॉग की पॉलिसी क्या है, यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, DMCA, तरह तरह की पेजेज आप यहाँ से बना सकते हैं। उसके बाद बात आती है लेआउट का, आप अपने ब्लॉग के किस सेक्शन में किस चीज़ को डालना चाहते हैं, वहाँ से सारा कुछ हैंडल होता है। आप यह जो पूरा लेआउट है या पूरा थीम के हिसाब से डिफ्रेंशिएट होता है। जब आपको ये दूसरा थीम लगाएंगे तो आपको दूसरी तरह के लेआउट मिलेगी, बहुत से थीम्स अवेलेबल होती है। हालांकि ब्लॉगर के जो कुछ बाय डिफॉल्ट थीम है वहाँ पे यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा भी आप गूगल पे ब्लॉगर फ्री थीम्स करके आप सर्च कर सकते हैं, जहाँ से आपको तरह तरह की एकदम बहुत सी अच्छी डिजाइन वाली थीम मिलेगी जो कि आप अपने ब्लॉग पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेटिंग, सेटिंग में आपको कई तरह की सेटिंग है। ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं, यहाँ से ब्लॉग का एड्रेस आप चेंज कर सकते हैं। साथ ही .com, जैसे कोई अपना डोमेन ले लेते हैं आप .com.in, तो यहाँ से आप कनेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद ब्लॉग पे किसी फ्रेंड को आप या फिर किसी और ऑथर को आप इनवाइट करना चाहते हैं तो वहाँ यहाँ से आप इनवाइट भी कर सकते हैं, ताकि आपके ब्लॉग पे कोई और कंट्रीब्यूट कर सके। दूसरा सेटिंग है पोस्ट का सेटिंग, आप अपने होम पेज पे कितने पोस्ट शो करेंगे, पोस्ट का टेम्पलेट अगर चेंज करना चाहते हैं, कोई आपके पोस्ट में इमेज है वो लाइट बॉक्स में ओपन होगा या नहीं, यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। तरह तरह की सेटिंग है, आप सारे सेटिंग को देखिए। सर्च प्रेफरेंसेस SEO के लिए है, आपका साइट जो है सर्च इंजन में किस तरह से शो होगा। और भी बहुत सी एडवांस सेटिंग है, गूगल एनालिटिक्स का सेटिंग है। तो बस यही था आज का यह वीडियो, मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से विद इन फ्यू मिनट्स अपना एक फ्री ब्लॉग सेटअप कर सकते हैं। इस ब्लॉग ब्लॉग सेटअप और ब्लॉगर से जुड़ा जो और भी जो एडवांस वीडियो है इस चैनल पर अपलोड होते रहेगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए या फिर डिसलाइक कीजिए। कोई भी अगर क्वेश्चन है तो नीचे के कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। साथ ही मिलते हैं अब आपको अगले वीडियो में। गुड बाय।